चलिए मैं आशीर्वाद टीम के कप्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी आरंभिक जोड़ी बल्लेबाजी की जोड़ी तुरंत मैदान में भेजिए। आकात गुट सुरवे और उनके साथ में अविनाश तीर्थगर, ये आरंभिक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में निकल रही है। आज के दिन का ये मैच नंबर दूसरा इस वक्त शुरू हो रहा है। इसके बाद का मैच अभी अभी बालक अमेरिका से रामपुर ने जो मैच जीता है, एमएस रामपुर की टीम मुकाबला इस मैच में जो भी जीतती है उसका मैच आगे का मैच होगा। सेकेंड मैच शुरू होता हुआ आरंभिक बल्लेबाज आकाश और आविष्कार, ये दोनों की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में जा रही है। दोनों बल्लेबाज राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन है। आकाश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे आविष्कार और गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के पहली ओर लेकर विकास आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर लेकर विकास को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। शरण, इस बार मैच की शुरुआत हो रही है बिल्कुल, जो कि बहुत ही नामचीन खिलाड़ी वहां पर विकेट खेल रहे हैं। इसाक चलेंगे इस बार देखना, फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इस बार देखना, फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे इस बीच ये गेंद लेकर। पहली गेंद इस बार बल्लेबाज के बिल्कुल पैर से लगती है गेंद, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। रुकावा स्कोर यहां पर, अभी रुकावा स्कोर केवल इस वक्त पहुंचता बस शून्य रन की ओर पर। अच्छे गाँव संघाचे स्पॉन्सर प्रमोद माने साहेबांचं देखील ते शुभागमन झालंय। माने साहेबांचं मनोपूर्वक सहर्ष स्वागत असेल, वेलकम, हार्दिक सहर्ष स्वागत। इस बार अगेन जस्ट शॉट ऑफ लेंगे, इस बार बैक पुल पर चले गए पांच बार, आज बार गेंद डाल के डीप कवर बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद, चार रन, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये चौका निकल रहा है और इसी चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवल चार की ओर पर। इस बार देख रहा, फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे विकास, फिर से गेंदबाजी करेंगे रैनाम और दिग्गज से गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज स्ट्राइक पर, फुल टॉस गेंद में इस बार गेंद को मारा जाता है, बल्लेबाज के क्षेत्र में गेंद डाल के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते फिर भी सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है टोटल स्कोर केवल पांच रन। आविष्कार तीर्थकर इस वक्त स्ट्राइक पर है बैटिंग करने के लिए।
आज कुमटी टीम में बिल्कुल उनके कुमटी गांव के एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी आज टीम में मौजूद नहीं, गोटा नहीं नजर आ रहे। टीम की जो बिल्कुल उनकी कमी महसूस होती है कि नहीं देखेंगे वहां पर। बहुत नामचीन खिलाड़ी है प्रशांत वर्डे यानी कि गोटा। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बॉलिंग करने के लिए भी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। पौरव के पास गेंदा, इस बार आंसर में गेंद को खेला जाता है, गेंदार के बिल्कुल डीप स्कोर क्षेत्र में खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते फिर से बैट्समैन ने बिल्कुल विकेट के बीच में सिंगल रन दौड़ा है और इसी सिंगल रन के साथ चार गेंदे होने के बाद स्कोर है केवल छह रन। चार चेंडू का खेल डाला है, दावा बनाला गेला, तब्बल सहा दावा। या षटकातील पाचवा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतो विकास। पुढील चेंडू और आगे जाकर मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन के बिल्कुल लाइन से छूके गेंद जाकर स्टंप से टकराई और आखिरकार अच्छे गांव क्रिकेट टीम को लगने वाला ये पहला झटका लगता हुआ। जय हो आचे गांव क्रिकेट टीम को लगने वाला ये पहला झटका लगा। नए बल्लेबाज जाएंगे वहां पर अप्रोच, अप्रोच पटेल को अब बैटिंग करने के लिए मैदान में भेजा जा रहा है और अप्रोच पटेल को कहा जाता है कि मूर्तिलान कीर्तिमान, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, देखेंगे क्या करते हैं मैदान में। फिर से विकास गेंदबाजी करने के लिए धीरे धीरे बॉलिंग पर चुपे वापिस चले जा रहे सर की अगली गेंद लेकर सामने है बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे वहां पर अप्रोच के लिए। इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार होंगे इस बीच अपने ओवर की ये गेंद लेकर। इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए विकास। गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ बॉलिंग करेंगे विकास ईश्वर की गेंद लेकर। इस बार बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद करने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर जा रही है, अंपायर ने बताया कि वन बॉल है, वन बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, टोटल स्कोर केवल 7 की ओर पर। अंदाज का स्ट्रोक निकलता था, गेंद बाउंड्री के बाहर निकलेगी, 4 रन। शहर सोलापुर के नामचीन गेंदबाज तथा एक उत्कृष्ट आयोजक हमारे दोस्त अमर बोरा यूट्यूब के माध्यम से जुड़ चुके हैं, उनका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। भावी नेता है, भावी नगर से बगैर शहर सोलापुर के अमर बोरा यांचा हार्दिक हार्दिक सर से स्वागत। चलेंगे इस बार अभी भी जहां तक की ओवर्स की बात करना चाहेंगे, लगभग पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर है केवल 11 पे 1 विकेट चला जा रहा और जो कि तीन चेंडू और तीन षटकार जर फलंदाज मारले तर वैजनाथ मेत्रे मेजर यांच्या वतीने 500 रुपये बारदोषक फलंदाजांना दिले जाईल।
तो इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे इस विधि गेंद फुल टॉस गेंद इस बार ऑनसाइड में गेंद को मारा जाता है डीप बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में गेंद आ गई जब तक कि फील्डर फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा टोटल स्कोर केवल 12 की ओक पर 12 धावा एक गड़ी बाद तो इस बार फुल टॉस गेंद इस बार गेंद को मारा जाता हुआ डीप स्क्वायर क्षेत्र में गेंद आ गया जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते फिर से सिंगल तो बनेगा मुकुंद वागमारे वहां पर एक बिल्कुल नॉर्थ सोलापुर के सुपरस्टार खिलाड़ी सुपरस्टार कमेंटेटर मेरे दोस्त प्रशांत वर्डे गोट्यांसहित मात्र आगमन झालंय त्याचं सहर्ष स्वागत असेल तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश भी गेंद के बिल्कुल लो बॉलर के पीछे निकल दी गेंद लॉन्ग ऑन सी बार का पार करेगी गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 6 रन इरादा पक्का गेंदबाज को लगा धक्का बल्लेबाज ने मारा फ्लैट पावरफुल छक्का इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त लगभग रन संख्या इस वक्त कुल मिलाकर पहुंच रही है उन्नीस रन या ठिकाणी फलंदाजाला मात्र सुवर्ण संधी इस बार मारना चाहते गेंद हवा में है नीचे खिलाड़ी पकड़ लिया वहां पर कैच मुकुंद वागमारे को जिन्हें विकेट मिल रही है वहां पर मुकुंद वागमारे सर की अगर बात करना चाहेंगे हाल ही में एमएससीबी की जो टूर्नामेंट थी हुई थी वहां पर जिसका नियोजन आयोजन मुकुंद वागमारे सर की ओर से किया जाता था कुमटे गांव में जब भी टूर्नामेंट होती है तो उसका नियोजन करने का काम जो करते हैं मुकुंद वागमारे सर आणि रमेश नायकोडे जर फिल्डिंग करताना कॅच पकडले तर त्यांना 500 रुपयाचं पारितोषिक गोट्याकडून दिलं जाईल रमेश नायकोडे सरांना हा पुरस्कार दिला जाईल इथे मात्र आपण पाहतोय दरम्यान दुसऱ्या षटकातील हात फलंदाज बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज गौतम निर्माण होऊन गेला वापर बल्लेबाजी करणे के लिए गौतम मेत्री साहेबांकडून एक पारितोषिक आलंय लागोपाठ तीन चेंडू तीन षटकार मारा आणि 50 मला वाटतं 500 रुपये मिळवा वैभव मेत्रे मेजर वैजीनाथ मेत्रे मेजर यांच्या वतीने हा पुरस्कार असेल दरम्यान एक पुन्हा एक सिंगल धाव इथे येते एका धावेची संघाची भारतीय धाव संख्या पुढे सरकते भारतीय टोटल धावा धरत 20 तो इस बार गेंद को ऊंच टीम के स्पॉन्सर प्रज्वल माने क्षण के बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए नहर की शुरुआत करने के लिए कुमटे टीम की ओर से बॉलिंग करेंगे वहां पर प्रीतम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा प्रीतम गोलंदाजी करते स्वतः तो वैयक्तिक पहल और संघाकडून धावातील षटक क्रमांक घेऊन येईल तिसरे षटक
अकुट पत्र चेंडू मारा चेंडू जो विकेट कीपर कड़े दरमियान कुमटे क्रिकेट संघ विरुद्ध अपन छत्रपति कुमटे क्रिकेट संघ विरुद्ध अपन सामना पहतो जय हो क्रिकेट संघ आचेगाव क्रिकेट संघ एक नामवंत असे खेळाडू मला वाटतो कुमटे गावात बऱ्याचसा प्रॅक्टिस करता आपण एमके सरांना देखील पाहिलं होतं। इस बार आगे जाकर गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में गेंद हवा में है, देखना नीचे खिलाड़ी क्या पकड़ सकते, कैच पकड़ लिया वहां पर, कैच शानदार कैच वहां पर पकड़ा जाता वहां लोहित की ओर से बिल्कुल जबरदस्त कैच था और आते ही प्रीतम ने अपनी टीम के लिए सफलता दिलाई है। खिलाड़ी सागर सागर जिन्हें क्या क्रिकेट में गेम चेंजर का नाम जो मिला है, अगर छत्रपति क्रिकेट टीम की बात करना चाहेंगे एक जमाने की बिल्कुल सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की बिल्कुल बहुत नामचीन टीम थी, जहां से राजू मायनाड़े, राजू सपकाले, रमेश अन्ना नाइकवाड़ ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी बाबू उस वक्त खेलते थे और आज भी हमें पता है। और ये लगातार ये बिल्कुल बहुत शानदार स्वीप शॉट छक्का, ये गेम चेंजर ने आते ही बिल्कुल छक्का लगा दिया इस बार। और केसरी मैदान के मैदान में मैचेस चले थे उस वक्त, तो मेरे नाम पर भी रिकॉर्ड है और राजू मैनाल के नाम पर, दोनों ने हमने चार चार हाफ सेंचुरी लगाई थी मैचेस में वहां पर। वक्त एक सीनियर खेलाड़ू है रमेश नाइकोड़, मात्र अजु ही मतलब सीनियर खेलाड़ू हि टीम अजु चालू ली इत रमेश नाइकोड़ नाइकोड़ कौतुक करा थोड़ा कमी असेल। रमेश सरांना पाहिल्यानंतर असं म्हणू शकेल आपण जंगल में सन्नाटा छाया हुआ है कि जंगल का पुराना शेर फिर से मैदान में वापस लौट कर आया है, जिनका नाम है रमेश सर। इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे स्वर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंदार के बिल्कुल डिप्स कर ले क्षेत्र में गेंदार, ये खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते सिंगल रन मिलेगा और इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता हुआ कुल स्कोर 33 रन। अभी भी देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे, फुल टॉस गेंद में इस बार आंसर में जोर से मारा जाता है, गेंद आ गई स्क्वायर लेग सी बार का पार करेगी वहां पर पहले टप्पे पर बॉलिंग के बाहर चार रन गिरी है, आगे बढ़ रहा है स्कोर अप्रोच के बाद से निकलता हुआ ये लाजवाब स्ट्रोक निकल रहा। जय हो क्रिकेट टीम की बिल्कुल उस मैच में जय हो रही है क्योंकि एक छक्का और एक चौका लगा दिया, आगे बढ़ रहा स्कोर इस वक्त कुल मिलाकर टोटल स्कोर 37 रन। बस नहीं मारने की कोशिश में गेंदार के बिल्कुल जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त 38 रन।
तीन ओवर बिल्कुल पूरे होने के बाद तीन षटक संपलियत धावा दलत तब्बल 38 धावा तीन गली बाद नए ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी करने के लिए बॉलर है वहां पर मुश्ताक मुल्ला गेंदबाजी करेंगे अपने व्यक्तिगत कोटे का बिल्कुल पहला और टीम के इनिंग का लगभग चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। इस बार ये ऑफ्टन के बहरा थी इस बार मारने की कोशिश में गेंद ऑफ्टन के दूर जा रही है। अंपायर ने बताया कि बिल्कुल बैट बॉल है। पंचान से आज समांतर दावा मिलती अवांतर दौसंग एक ही धावे की भर पड़ ली है। भारतीय दौसंग के पुलिस रखती है टोटल धावा डाला है 40 धावा। फिर से देखना गेंदबाजी करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद निकली गेंद पैरों के पास गेंद इस बार देख घुमा के मारा इस बार विकेट कीपर के पीछे गेंद आ रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री के दिशा में जा रही है गेंद किसी को मौका नहीं वहां पर देख के मौका मारना खूबसूरती के साथ चौका मिला मौका लगा चौका और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है टोटल स्कोर 44 की ओक पर। इस बार गेंद को मारा जा रहा गेंद बॉलर के पीछे जा रही है जब तक फील्डर फील करते फिर से एक रन तो मिल सकता वहां पर क्या दूसरा होगा वहां पर हो सकता था लेकिन बैट्समैन ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है फिर भी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 45 रन 45 धावा डाला है। ये टूर्नामेंट जो चल रहा है बिल्कुल विनर्स वॉरियर सर्कल को अच्छे गांव टीम की ओर से बिल्कुल ये टूर्नामेंट रखी जा रही है अच्छे गांव चैंपियन ट्रॉफी ग्रामीण खिलाड़ी को वाव देने का काम ग्रामीण खिलाड़ी का टैलेंट ढूंढने का काम इस टूर्नामेंट के माध्यम से होगा। ग्रामीण खेलाड़ों साठी वाव देना स्पर्धा ग्रामीण खेलाड़ों साठी प्लॅटफॉर्म देना स्पर्धा आणि ग्रामीण खेळाडूतील कला गुणांना या ठिकाणी फरकण्याची स्पर्धा आपण इथं पाहतोय। दरम्यान सरळ बॅटने सरळ फटका खेळला चेंडू जातोय बॉलरच्या मागे लॉंग ऑफ च्या दिशेने पुन्हा एक सिंगल धाव निश्चित होईल एका धाबेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या पोहोचली आहे आणि मला वाटतं दुसरी धाव देखील तिथं पूर्ण केली गेली आहे आणि या दोन धाबेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या पुढे सरकतीये टोटल धावा झाला 47 धावा। देखना गेंदबाजी करेंगे फुल टॉस पर ये बिल्कुल जबरदस्त प्रहार व्हाट अ एक्सलेंट स्ट्रोक निकलता हुआ गेंदबाज तेजी से गेंदबाज कर रहे थे उस पर बेनिफिट मिला और इसी 4 रन के साथ टीम के लगभग अमेरिका से 50 रन पूरे हो चुके जय हो क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे आगे बढ़ रहा है स्कोर 51 रन। ऑफ्टन के बाहर गेंद आई बिल्कुल कट करना चाहते थे गेंद बल्लेबाज को बीट कर गया विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है अभी भी रुका बस स्कोर टोटल स्कोर इस वक्त 51 रन 4 ओवर बिल्कुल पूरे हो चुके हैं 4 षटक संपली है तब्बल धावा चला 51 धावा 3 गड़ी बाद
नए गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता हुआ मुकुंद वाघमारे। वाघमारे गेंदबाजी करेंगे स्वर की अगली गेंद लेकर। शॉर्टी गेंद इस बार बैकफुट पर चलेगी, इस बार खूबसूरती के साथ कवर ड्रा लगाया जा रहा है। गेंदार के डीप कवर क्षेत्र में गेंद निकल रही है, फिर भी एक रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर केवल 552 रन। ये पांच ओवर चलता हुआ, पांच ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। बस देखा जाता तो एक जमाने के अच्छे गेंदबाज के तौर पर ईशाक को पहचाना जाता, लेकिन ईशाक को जिस तरह से लिगामेंट का प्रॉब्लम हुआ, क्रिकेट से बहुत दूर हो गए और उन्होंने गेंदबाजी करना बंद कर दिया वहां पर। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर क्या खूबसूरत स्ट्रोक निकलता है। इस बार गेंद जाएगी बिल्कुल शानदार कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा गया वहां पर फील्डर ने, वहां पर बिल्कुल शानदार कैच पकड़ा। जय हो अच्छी गांव टीम के स्पॉन्सर प्रज्वल माने और वैजनाथ मैत्री मालक, इनकी ओर से लगातार 3 छक्के के लिए 500 रुपए बैट्समैन को दिए जाएंगे वहां पर। प्रेसिजन टूर्नामेंट हाल ही में बिल्कुल रेलवे मैदान में जो टूर्नामेंट हुई थी, तीनों की तीनों मैच में मैन ऑफ द मैच का प्राइज लेने वाला खिलाड़ी ये देखिए बिल्कुल उठाकर महाराज बार सीधी गेंदार के बिल्कुल लॉन्ग ऑन शान के बैट से निकलता हूं, ये दमदार प्रहार। इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करेंगे इस भी गेंद जस्ट सौरभ रन गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को मारने की कोशिश में गेंदार के बिल्कुल बिरबिगिन क्षेत्र में। खिलाड़ी जब तक फील करते हैं रनआउट का मौका हो सकता है और इसी के साथ ये बैट्समैन रनआउट, शायद रनआउट हो गए वहां पर बल्लेबाज, कोई जरूरत नहीं थी अपने कदमों को, ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल, बल्लेबाज का विकेट जा रहा है आगे बढ़ता हुआ, स्कोर 59 रन 59 की ओक पर। गैबी नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे न्यूमैन। तो गैबू गेंदबाजी करने के लिए इस बार गैबू के लिए इस बार मुकुंद वाघमारे सर का ये कामयाब और सक्सेसफुल ओवर यहां पर देखने मिल रहा है। अभी भी ये पांच ओवर की बिल्कुल शायद आखिरी गेंद, स्कोर है 59 रन 59। जय हो अच्छी गांव टीम छत्रपति से श्री कुमटी गांव, ये टीम दोनों टीमों के बीच में चलने वाला मैच हम यहां पर देख रहे हैं। इस बार बटल स्टंप पर आती गेंद आंसर में गेंद को मारने की कोशिश में गेंदार के बिल्कुल जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं एक रन दूसरे की दौड़ हो सकती है, आराम के साथ 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। 5 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 61 रन। 5 षटका ज्या समाप्ति नंतर धाव संख्या पोहोचली ती 61 धावा, आता मात्र शेवटचे षटक पाहूया कोण टाकतोय। और जिनके इंतजार यहां पर जो हो रहा था, रमेश अन्ना को गेंदबाजी करने के लिए बुला जा रहा है, टीम के सीनियर खिलाड़ी रमेश अन्ना गेंदबाजी करेंगे रेडहाम ओवर दिग्गज से गेंदबाजी करने के लिए, जिनके सामने है बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग इन पे होंगे वहां पर। सागर होंगे बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर। सागर
तो इस बार ये गेंद तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए। ओपी गेंद भी इस बार सीधे गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, हवा में गेंद, शानदार फील्डिंग, व्हाट अ ग्रेट फील्डिंग मैं कहूंगा। जहां पर यहां पर 6 रन हो सकते थे वहां पर अच्छी फील्डिंग हो रही है, फिर भी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 62 रन। तो इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे, आगे जाकर गेंद को मारने की कोशिश में गेंद डाल के बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाएगी, पहले टप्पे पर बाउंड्री के बाहर 4 रन, और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन की ऊपर। जय हो आचेगांव टीम का स्कोर 66 रन। लक्ष्मण मैत्रे एडवोकेट और सुभान बिराजदार एडवोकेट दोनों का मैं पहले स्वागत करता हूं। इन दो मेहमानों के उपस्थिति में आगे का मैच का टॉस होगा, अभी नहीं मैच खत्म होने के बाद। आगे चला गया इस बार एक कदम आगे जाकर बल्ले के बीचों बीच लेकर ये लॉन्ग ऑन सिवारिका के बाहर उठाकर मारा, और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 74 रन, 74 रन। बॉलिंग करेंगे शॉर्ट पिच गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को मारने की कोशिश भी गेंदार की, बिल्कुल जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते बहुत दूर से आकर जब तक गेंद फील्ड हो रही है 2 रन लेने का मौका बनता हुआ, और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन, 74 की योग पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन, 74 रन। इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदे बची है, वहां पर या डाबा तिल से बच्चे 2 चेंडू से लगाए। आचेगांव चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का बिल्कुल आज का ये 3रा हाफ है, कल के हाफ में बिल्कुल मेरे ख्याल से बोलसंग टीम ने बिल्कुल मैच जगह बनाई थी। पहले दिन में राजहंस उड़े, ज्ञानेश्वरी राजहंस उड़े क्रिकेट टीम ने लगभग अपना क्वार्टरफल का स्थान पक्का कर दिया, लेकिन आज के दिन में ये 4 टीम में से एक टीम को बिल्कुल जगह मिल सकती है क्वार्टरफाइनल जाने के लिए। आगे जाकर गेंद को मारा जाता हुआ डांसिंग डाउन बल्ले के बीचों बीच लेकर बिल्कुल 20 बार बड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ, और इस छक्के के साथ प्रज्वल माने इनकी ओर से बैट्समैन के लिए 100 रुपए मिलेंगे। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन, 5 विकेट के नुकसान पे।
छिगांव चैंपियन ट्रॉफी का बिल्कुल आज का ये तीसरा दिन, तीसरे दिन का इस वक्त तो मैच चल रहा है और तीसरे दिन का ये दूसरा मैच चलता हुआ। जय हो क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग की, लगभग 81 बनाए और 81 रन का टारगेट यहां पर दिया जा रहा है। 80 बनाने के बाद 81 का टारगेट है और इस टारगेट का पीछा करने के लिए छत्रपति क्रिकेट टीम कुमटी गांव टीम की ओर से आरंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक पर है इशाक, नौ स्ट्राइकिंग इन पे है इशाक और अशफाक, ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में और आकाश चवान आकाश गोत्सुर्वे गेंदबाजी करेंगे इस बीच अपने ओवर की पहली गेंद लेकर। चलेंगे इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इशाक के लिए, इशाक तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए और बॉलिंग करने के लिए आकाश पहले ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। आकाश की पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को मारने की कोशिश में विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूट रही है, विकेट कीपर के पीछे जब तक जाकर गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, फिर भी बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में सिंगल रन तोड़ा है। अंदरूनी एज लगने के बाद विकेट कीपर के पीछे चली गई गेंद और फिर गेंद इस बार सीधे बैट से अशफाक के बैट से निकलता और दमदार प्रहार निकला, सीधी गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार करती गेंद छह रन के लिए निकलेगी वहां पर। अभी भी रुकावट स्कोर इस वक्त केवल 7 रन, देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे विधि गेंद और फिर गेंद इस बार हल्के से पुश करने की कोशिश, दिख रहा रनआउट का मौका हो, ये डायरेक्ट अगर निशाना लगता तो ये देखिए क्या थ्रो कर दिया वहां पर, वो जो फील्डर थे उनके पैरों से लगने के बाद बिल्कुल रिटर्न गेंद चली जा रही है वहां पर। 2 मिलेंगे 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 9 रन, ये 3 गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद स्कोर है 9 रन, छत्रपति क्रिकेट टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा केवल 9 की ओर पर। तो एक बार फिर से मारने की कोशिश में गेंद आ गया स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद आ गया, एक तो मिलेगा क्या, शायद एक से संतुष्ट होना पड़ेगा, आगे बढ़ रहा स्कोर केवल 10 रन। बल्लेबाज यहां पर अशफाक की बात करना चाहेंगे, अशफाक ने लगभग व्यक्तिगत 9 बनाए और बिल्कुल इशाक ने केवल 1 रन बनाया है। तो इस बार फिर से गेंदबाजी करेंगे और फिर गेंद इस बार कवर ड्रा लगाने की कोशिश, गेंद हवा में जा के डीप कवर क्षेत्र में गेंद आ के खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे, 1 रन दूसरे की दौड़ हो सकती है, आराम के साथ 2 रन बनेंगे और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा केवल 12 पे। इस ओवर की अंतिम गेंद आखिरी गेंद, गेंदबाजी करेंगे इस बार तैयार है बॉलिंग करने के लिए। और फिर गेंद इस बार स्ट्रेट बैट स्ट्रोक निकलता हुआ इशाक के बैट से निकलता हुआ, ये शानदार प्रहार निकलता हुआ, गेंद बैट के सामने मिली बॉलर के सर के ऊपर से सेंसेबल स्ट्रोक निकलता हुआ, आगे बढ़ रहा स्कोर 16 रन, पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो नए गेंदबाज की तौर पर गेंदबाजी करने के लिए आविष्कार को गेंदबाजी करने के लिए बुला जाता हुआ
आविष्कार धावखुरा गोलंदाज गोलंदाजी करतो आपल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाजी करेल। अकूट टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला गेला, इथे मात्र चेंडू उडवलाय, चेंडू जातो डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सी बारशाकडे जाईल आणि इथे मात्र सिंगल धाव येते। या सिंगल धावेनिशी संघाची वाढती धाव संख्या पुढे सरकतेय, टोटल धावा झाल्या 17 धावा। या दरम्यान हा चेंडू सुरेख चेंडूचा टप्प्यापर्यंत हलकासा चेंडू वळतोय, गेला विकेट कीपरकडे, दरम्यान डॉट चेंडू निर्धाव चेंडू टाकला जाईल, दरम्यान धावसंख्या अजूनही थांबली होती 17 धावा। पुन्हा या षटकातील पुढील चेंडू टाकला जाईल, दरम्यान गोलंदाजीला सज्ज असतील। अकूट टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला गेले, चेंडू आकाशात उंच उडवलाय, पाहूया क्षेत्ररक्षकच्या हातून मला वाटतं झेल सुटतोय। इथे मात्र एक जीवनदान मिळतोय, एक सिंगल धाव निश्चित येते और बिल्कुल बॅट्समन को वहां पर जीवनदान मिल रहा है। और अक्सर क्रिकेट में जो कहावत होती है कैचेस विन मैचेस कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है। कैच छूटा गेंदबाज का दिल टूटा, साथ ही साथ एक रन भी लूटा वहां पर। इस बार आसपास के बाद से निकलता यह दमदार प्रहार निकलता, बहुत सीधी गेंदा स्कोर लेग सी बारी का पार करेगी 6 रन। सकते हैं वहां पर अशफाक और ईसा की जोड़ी हम विकेट पर देख रहे हैं। वहां पर और फिर गेंद इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद डाल के जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचा स्कोर। तीसरा और चलता हुआ स्कोर है 39 रन। ईसा किस वक्त खेलने के लिए थोड़ी सॉफ्टन के बहरा, इस बार बहुत जबरदस्त खेला, इस बार डीप बैकवर्ड स्कोर लेग सी बार का पार करेगी 4 रन। ये सूर्य कुमार यादव की अंदाज में गेंद को ऑफ्टन के बहर गेंद आई, कलाई का इस्तेमाल कर दिया, ऑनसर में गेंद को टर्न कर दिया। इस बार बहुत ही क्लासिकल एक्सलेंस स्ट्रोक खेला जा रहा है, आगे बढ़ रहा स्कोर 43 रन। फिर से देखना गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के बीच बहुत आक्रामक पारी चल रही है इस वक्त। शफी गेंदा इस बार बैकफुट पर जाकर कवर क्षेत्र में गेंद को मारा जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रोक तो बढ़िया खेला था लेकिन फील्डर के हाथ में मार बैठे, थोड़ा सा बाजू में इधर उधर अगर जाता तो यकीनन 4 रन मिलते। आखिरकार यहाँ पर टीम के लिए विकेट मिल रही है, ईसा का विकेट जा रहा है, आविष्कार फील्डर थे जिन्होंने कैच को पकड़ा, विकेट जा रही है, लगता हुआ और एक झटका लगा वहां पर पहला झटका।
आने के बाद और गेंदबाज को विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे। जय हो टीम की, बिल्कुल पिछली गेंद पर जय हो गई क्योंकि विकेट उन्हें मिल रही है। रूसी के इस नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में जाए बाबर। दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। टोटल स्कोर उस वक्त लगभग पहुंच रहा था 46 रन से चाहिए दावा। संदीप जबर भाई अठारह चिंदौनी बनवाई 35 दावा। बिल्कुल हम YouTube पर देख सकते हैं कि एक शहर सोलापुर के नामचीन क्रिकेटर संदीप पवार और जबर साथी और बिल्कुल उभरता हुआ सितारा शुभम टंकारे और बिल्कुल राजू चौहान जो कि गेंदबाजी का प्रमुख अस्त्र है विनर वॉरियर्स का। गेंदबाजी का प्रमुख अस्त्र विनर वॉरियर्स का हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहां पर जो ये चारों खिलाड़ी है जो महाराष्ट्र में हंगामा करने वाले खिलाड़ी है जिनका नाम है संदीप पवार, बिल्कुल जफर साथी और उसके साथ में शुभम टंकारे और साथ ही साथ राजू चौहान। सर बिल्कुल माचो सर, एक मैच इसके बाद होगा, उसके बाद लंच ब्रेक होगा ऐसा टूर्नामेंट कमेटी की ओर से बताया जा रहा है। बड़ी बॉल का इशारा बताया जाता हुआ बड़ी बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर उस वक्त लगभग पहुंचता हुआ 48 रन। अभी भी मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे 33 रन चाहिए 33 दावा पर भाईजात अप्रोच गोलंदाजी करते बलंदाज स्ट्राइक असेल बा ऋषी अकूट टप्प्याचा चेंडू इथे मात्र आडव्या बॅटने फटका मारायचा प्रयत्न चेंडू जातोय विकेट कीपरकडे डॉट चेंडू निर्धाव चेंडू टाकला गेलाय। दरम्यान धावसंख्या अजूनही थांबली होती 48 धावसंख्येवर। इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए रेड हार्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइक पर है बापर बिल्कुल ऋषि। अच्छी गेंद के बाद सीधे गेंद को मारा जा रहा है गेंद बॉलर के पीछे डाल के लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद डाल के बिल्कुल सिंगल बनेगा और ये सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 49 रन। बिल्कुल छत्रपति क्रिकेट टीम कुमटे गांव टीम का स्कोर 49 रन। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर 49 रन। देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे
बहुत अच्छी गेंद, इस बार बड़ा विकेट, बड़ा झटका लगा वहां पर, जिनका बल्ला जो बोल रहा था अस्पॉक का विकेट लिया जा रहा है। अस्पॉक का विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज जाएंगे बैटिंग करने के लिए, निर्माण होंगे वहां पर। किया जाता है अप्रोच को विकेट मिल रही है, विकेट भी लो रहे, साथ ही साथ रन भी रोके जा रहे हैं। अब स्थिति यहां पर अगर बात करना चाहेंगे तो ये टीम की लगता है और एक झटका लगा वहां पर। पंद्रह गेंद और मैच जीतने के लिए 32 रन टोटल स्कोर हुआ छत्रपति क्रिकेट टीम का 49 रन। देख रहे फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार होंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। ये गेंद ऑफ्टन के बाहर जाकर ऑनसर में गेंद को मारने की कोशिश में, देख रहा फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते दो रन लेने का मौका बना और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 51 की ओक पर। तो बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बॉलिंग करने के लिए स्वर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। बहुत अच्छी गेंद, इस बार बैट्समैन को बीट कर गया, विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है, अभी भी रुका हुआ स्कोर वही पे, टोटल स्कोर केवल 51 रन, इसका मतलब मैच जीतने के लिए 30 चाहिए। तो इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करेंगे, और फिर गेंद इस बार गेंद को लेफ्ट स्टोक लगाया जाता हुआ, एन वक्त पर छक्का लगा, यहां पर एन वक्त पर गेंद को छक्का लगा, 12 गेंद और मैच जीतने के लिए 24 की जरूरत, 12 चेंडू अनि बनबाई छे 24 धावा। जाने माने खिलाड़ी गौतम गोद सुरवे अब बल्ले गेंदबाजी करने के लिए आएंगे बॉलिंग करने के लिए। आता अपन समीकरण पातु येणाऱ्या 12 चेंडू मध्ये बनवायचे 24 धावा, 12 बॉल रिमेनिंग, रिक्वायर्ड रन टू 24 रन, 12 गेंद जीत के लिए 24 चाहिए वहां पर। देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बार गेंद, और फिर गेंद इस बार लॉफ्ट स्टॉक लगा दिया, गेंदार के बिल्कुल बिड़ विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रन। और ये जो फील्डर भैया ये क्या कर लिया आपने, दो हाथ में क्यों पकड़ा, एक में पकड़ते 100 मिलता। कैच पकड़ लिया सीधा, दरमियान हाथ चेंडू दिशाहीन होता, लेग स्टंप च्या बाहर जातो, चेंडू मात्र बंस म्हणतात, बडबॉल असेल, सिंगल धाव मिळतीये, सिंगल धावेनिशी आता मात्र समीकरण बदलताना आपण पाहतोय, येणाऱ्या मला वाटतं 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि बरोबर जे 17 धावा, 11 गेंदे और जीत के लिए 17 की जरूरत है। और फिर गेंद इस बार गेंद को मारना चाहते, बल्ले का भीतरी किनारा लगा वहां पर, अंदरूनी किनारा लगा, विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है, अभी भी रुका हुआ स्कोर, यहां से मैच जीतने के लिए आने वाले 10 गेंदे और जीत के लिए 17 चाहिए। 10 गेंद और 17 रन, सागर इस वक्त स्ट्राइक पर गेंदबाजी करने के लिए, सामने है बल्लेबाज स्ट्राइक पर ऋषिकेश छोटू यानी कि ऋषिकेश,
हो छोटू नहीं बल्कि ये बड़ा फटका मार लगा दिया इस बार, छोटू मनन लगा तेना मोटा फटका खेलना फलंदाज जा इत मात्र सहा धाबा येतील। या सहा धाबांनी संघाची भारतीय धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे तब्बल मला वाटतं 70 धावसंख्या जाऊन धावसंख्या पोहोचली आहे। आता समीकरण जिंकण्यासाठी फक्त बनवायचे 11 धावा। चलेंगे इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बीच गेंद ऑफ्टन के बहुत ज्यादा दूर जाने के बीच शायद बल्ले का एज लगा वहां पर विकेट कीपर ने पकड़ा क्या अच्छा विकेट जाने के बाद अब मैच जीतने के लिए यहां से 11 रन चाहिए। विकेट कीपर ने पकड़ा कैच गैबू है वहां पर फील्डर जिन्होंने कैच को पकड़ा विकेट जान के लगता बा जोर का झटका देर से लग रहा है। तो फैयाज को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में भेजा जा रहा है। फैयाज जाएंगे बैटिंग करने के लिए मैदान में न्यू मैन बैटिंग करने के लिए मैदान में बस देखा था। तो पहले जब क्रिकेट चलता था उस वक्त तो ग्लोव भी कुछ यूज नहीं किए जाते थे क्रिकेट में। एक तो अगर पकड़ लेना तो दस्ती लगाई जाती थी उसके बाद अगर हाथों में पानी छूटता तो मट्टी हाथ को लगाई जाती थी उसे मजबूत पकड़ बनाने के लिए। आजकल वो सब भूल रहे क्योंकि आपको ग्लोव भी रेडीमेड मिल रहा है वहां पर। ये आदत बन चुकी है बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने जो करते हैं उसकी कॉपी होती है क्रिकेट में। तो इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे भी देखें ये गेंद इस बार ये बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर जान के बच गए वहां पर। ये वॉलीबॉल का इशारा पर की ओर से बताया जा रहा है। वॉलीबॉल के साथ अब मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे लगभग 10 रन चाहिए 8 गेंद और 10 रन 8 चेंडू 10 धावा। और फिर गेंद इस बार गेंद को मारने की कोशिश में जब तक गेंदबाज जाकर गेंद को फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ अब मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे आने वाले 7 गेंदों में 9 रन चाहिए सेवच्छे 7 चेंडू और बनवाए 9 धावा 7 चेंडू और बनवाए 9 धावा। तो इस बार देख रहे हैं फिर से गेंदबाजी करेंगे गेंद और फिर गेंद इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर गया विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है और इस बीच ओवर्स की बात करना चाहेंगे लगभग आने वाले 6 गेंदों में लगभग मैच जीतने के लिए 9 चाहिए 6 बच्चे 7 चेंडू और बनवाई 9 धावा। चलेंगे इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का इस बार बहुत अच्छी गेंद इस बार गेंद बैट्समैन को बीट कर गया बिल्कुल विकेट कीपर के पास चली जा रही है शायद बॉलर है अप्रोच क्या इन्हें यहां पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं देखना है धमाका किसका होगा मैदान में देखेंगे। वैसे तो मैदान अम्स चैलेंज तुमस पहुया इधर अपन पातो है इत शेवटचे 5 चेंडू आणि बनवायचे तब्बल 9 धावा 5 चेंडू 9 धावा। इस बार फिर से मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर दिया विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है वहां पर बिंदी गेंद डॉट गेंद फेंकी जा रही है वहां पर चार गेंद और मैच जीतने के लिए 9 रन चाहिए फैयाज क्या करेंगे वहां पर
के बाहर आ रही है, देखा जैसा बरका, इस बार देखना अंपायर का इशारा क्या मिलता है। बापर अंपायर जगह से घूम रहे, इसका मतलब वन बॉल का इशारा। चार गेंद और मैच जीतने के लिए 8 रन, एक बड़ा स्ट्रोक जीत का रास्ता दिलवाएगा। एक दो और एक गेंद अगर बिंदी जाती है तो बैट्समैन का नचीती प्रेशर आएगा वापर। फिर से देखना गेंदबाजी करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद निकल शॉट गेंद, इस बार आगे जाकर गेंद को मारने की कोशिश में हवा में गेंद नीचे, खिलाड़ी पकड़ लिया कैच। मुश्ताक मुल्ला नए खिलाड़ी जाएंगे बैटिंग करने के लिए। तीन चिंदौनी बनवाई चेतार धवा, सागर ने कैच पकड़ा वापर। बहुत इस वक्त कुमटे गांव के बिल्कुल सभी खिलाड़ी इस वक्त प्रेशर में है, चिंता में है, बिल्कुल उनका चेहरा बयान कर रहा है कि मैच कहां था और कहां पर आ रहा है। ये छोटा पैक बड़ा धमाका कर रहे हैं वहां पर, अप्रोच की तारीफ करने की। वहां पर जीती हुई बाजी बिल्कुल ना, हारी हुई बाजी जिस तरह से जीती जा सकती है, अप्रोच यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। गेम चेंजर उन्हें क्यों कहा जाता है, गेम चेंज करने की कोशिश की जा रही है, मैच और मैच का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। तीन गेंद और मैच जीतने के लिए 8 रन। मुश्ताक मुल्ला एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी अब बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर होंगे। मुश्ताक मुल्ला ने गेंद को आंसर में 12 देखना नीचे, खिलाड़ी वहां पर मिल सकती है विकेट और ये क्या छोड़ा, 4 रन भी जाएंगे वहां पर। क्या आज भी छोड़ा, 4 रन भी जाएंगे, ये क्या छूटा या मैच छूटा आगे जाकर पता चल सकता है। तो थोड़स वातावरण तैर जा रहा है, कारण एक थोड़स वातावरण तैर है। दोन चिन्ह आणि 4 धावा, इधर बोल रहे एक बैठता एक बैठता, उधर बोल रहे एक अच्छा डाल एक अच्छा डाल। दो गेंद और मैच जीतने के लिए 4 रन। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार, और इसी के साथ ये आखिरी गेंद और जीतने के लिए 4 रन। एक गेंद और 4 रन, ऐसा ही कुछ मैच बहुत जगह पे हुए। एक गेंद 4 रन, एक अच्छा बॉल, एक अच्छा बॉल। नए बैट्समैन प्रीतम, प्रीतम जाएंगे बैटिंग करने के लिए मैदान में, न्यू बैट्समैन होंगे वहां पर। अब देखना है एक चिंदू वाली बनवाई है तब्बल 4 धावा। फलंदाज असल रोहित स्ट्राइक पर, दोनों के लिए बिल्कुल आखिरी मौका है, देखेंगे क्या होता है वहां पर। एक चिंदू बनवाई है 4 धावा। गोटे बक्षीस लो का गोटे बक्षीस 100-200। या चेंडूवर जर फलंदाजाने चौकार मारला तर प्रशांत वर्डे यांच्याकडून 200 रुपये दिले जातील। एक चेंडू आणि बनवायच्या 4 धावा, देखेंगे क्या होता है वहां पर। इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, एक रन तो मिल सकता है, क्या दूसरा हो सकता है, क्या तीसरा भी होगा, 2 तो मिल गए वहां पर। और इसी के साथ एक रन से मैच जीत गए वहां पर टीम। इसी के साथ राधे अभी का आउट है कि नहीं है। ओ राधे सर आउट, बैट्समैन आउट। चला पुढच्या मॅचचा टॉस करूया आपण।
जय हो क्रिकेट संघाने कैप्टन आणि त्याबरोबर मी विनंती करतोय एम एस रामपुर संघाने कैप्टन वकील साहब दोन्ही वकील साहबांना विनंती करतोय की पुढे येऊन टॉस करायचे सचिन सर कृपा इकडे यायचे सामनावीर या सामन्यातील सामनावीरचा खेळाडू चालतोय अप्रोच अप्रोच आइए मैन ऑफ द मॅच